नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड पे। उससे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, टाटा मोटर्स समूह एक अग्रणी वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माता है, यानी कि ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। यह प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय समूह टाटा समूह का हिस्सा है, जो दुनिया को कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों, ट्रकों, बसों और रक्षा वाहनों का एक विस्तृत और विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। तो काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। इसका संचालन भारत, यूके, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों JV के एक मजबूत वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से होता है, जिसमें यूके में जगुआर, लैंड रोवर और दक्षिण कोरिया में टाटा देवू शामिल है। तो ये दो गाड़ी है जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिलती है, यानी कि महंगी गाड़ी है, तो इसका भी कारोबार ये कंपनी करती है, यानी कि बनाती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,33,967 करोड़ का हो चुका है। करेंट प्राइस 907 रुपया है, जो कि 52 वीक हाई और लो के लगभग बीच में आ चुका है। स्टॉक पी 9.83, जो कि अपने साथी जैसे कंपनियों के स्टॉक पी से काफ़ी लो में इसका स्टॉक पी है। वहीं पे बुक वैल्यू 255 रुपया और ROC 20.1% का और ROE 49.4% है। तो काफ़ी अच्छा ROE है इस स्टॉक का। डिविडेंड भी पे कर दिया, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। हम यहाँ पर इसके प्राइस चार्ट को देखते हैं तो ये 900 रुपये के लगभग में आ चुका है, यानी कि ऊपर में देख चुके हैं 907 रुपये के करीब है और ये 52 वीक के हाई लो के बीच में है। तो काफ़ी अच्छा टाइम है मेरे आइडिया अनुसार इन्वेस्टमेंट का। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है तो इन्वेस्टमेंट भी आपका ही होना चाहिए। मैं तो वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। यहाँ पर देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन के मामले में इस कंपनी का शेयर का जो पी है वो काफ़ी लो में है, यानी कि 9.83। बाकी ये बात सभी का पी 20 प्लस है, जो कि आपको दिख रहा होगा पांच कंपनी में, इसको छोड़ करके चार अदर का, जिसमें कि अशोक लेलैंड, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, फोर्स मोटर, SML, इसुजू। क्वार्टरली रिजल्ट के मामले में भी अच्छा प्रदर्शन है इस स्टॉक का। लास्ट 12 मंथ का जो रिजल्ट देखते हैं तो इसमें भी इसका अच्छा ही प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ सालों की अपेक्षा। अब रह गई बात बैलेंस शीट पर ध्यान देने की, तो बैलेंस शीट में एक चीज़ देखना चाहिए मार्च 2023 में, जहां पर कि इसके पास में रिजर्व 44,556 करोड़ का था, वहीं पे बढ़ करके 84,152 करोड़ का हो चुका है। जबकि ब्रोइंग घटा है, 1,34,113 करोड़ का था ब्रोइंग, वहीं पे अब 1,07,262 करोड़ का रह गया है मार्च 2024 के अनुसार। एक और बात, फिक्स एसेट में तो इसमें कमी आई है, जो कि 1,32,080 करोड़ का था फिक्स एसेट, वहीं पे अब 1,21,285 करोड़ का रह गया है। अदर एसेट में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी यानी कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, 1,61,941 करोड़ से बढ़ करके हो चुका है अब 1,89,566 करोड़ का, यानी कि टोटल एसेट में भी इसी के अनुसार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
3,34,674 करोड़ का था पिछले साल, वहीं पे मार्च 2024 में 3,69,521 करोड़ का हो चुका है टोटल एसेट इस कंपनी का। कैश फ्लो के मामले में भी पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक में। शेयर होल्डिंग के मामले में अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो इसमें निगेटिव साइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात है, प्रमोटर होल्डिंग में कमी आई है और FIs के भी होल्डिंग में थोड़ा सा कमी आई है और DIs के भी होल्डिंग में थोड़ा सा कमी आई है और गवर्नमेंट के होल्डिंग में भी थोड़ा सा नाम मात्र का कमी आई है और पब्लिक के होल्डिंग में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, बट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी कमी आई है। ऐसे तो यहाँ पर ढेरों न्यूज है इस कंपनी से रिलेटेड, जिससे देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वेबसाइट का नाम है screener.in। कंप्लायंस रिगार्डिंग 39(3), डिटेल ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इससे संबंधित दो न्यूज है। उसके बाद में तीसरा न्यूज है अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR अलॉटमेंट ऑफ ESOP पब्लिक ESPS। तो कितना शेयरों का अलॉटमेंट किया गया है? 1,07,653 ऑर्डिनरी शेयर। इसी के बारे में न्यूज़ था 15 अक्टूबर 2024 का। इसका डिटेल आगे देखते हैं तो देख सकते हैं इस न्यूज़ का संक्षेप में। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत कंपनी की आवंटन समिति ने आज यानी 15 अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में 1,07,653 साधारण शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। क्रमशः 2 और 338 रुपये प्रति शेयर के व्यायाम मूल्य पर 93,190 प्रदर्शन शेयर इकाइयों और 14,463 स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसार पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत 2-2 का अंकित मूल्य पूरी तरह से भुगतान किया गया। इस वजह से शेयरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है इस कंपनी में, जो कि आपको विस्तार पूर्वक इस न्यूज में दिया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा है NSEIndia.com वेबसाइट का नाम है, इस पर इस शेयर का शेयर प्राइस 906.15 रुपया पर क्लोजिंग हुआ और ट्रेडेड वॉल्यूम 100,000 में है, जो कि 102.98 और मार्केट कैप 3,33,543 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर डिलीवरी परसेंटेज जो आज के दिन में रहा वो है 45.49% का। अब एक नज़र BSEIndia.com वेबसाइट पे देखते हैं इस शेयर का शेयर प्राइस, तो 907.10 रुपया जो कि आज के डेट में डाउन हुआ है शेयर प्राइस और ये अपने 52 वीक के हाई लो के मिडिल में लगभग पहुंच चुका है इस शेयर का शेयर प्राइस। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो कि डिलीवरी परसेंटेज जो रहा है वो 46.20% का, लगभग दोनों जगह डिलीवरी परसेंटेज सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है आगे पीछे का। अंत में सारांश में यही कह सकता हूँ कि यह स्टॉक अच्छा है फ्यूचर के लिए। बाकी मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।